मैं जैसे एक छोटी सी बात आपको और बताता हूँ, बात निकली है तो, कि जब हम 17-18 साल के होते हैं तब तक तो नो टेंशन, मतलब जिंदगी बहुत गजब चलती है, कोई चिंता ही नहीं किसी चीज की, है ना। इसके बाद की जो 18 से 30 की जो लाइफ है ना, इसमें मुझे लगता है कि हम बहुत ज्यादा अपने करियर को बनाने पे ध्यान देते हैं, है ना। इसी उम्र में हमें पैसा कमाना है, इसी उम्र में हमें सेटल होना है, इसी उम्र में हमें शादी करनी है, बहुत सारे काम इस उम्र में रहते हैं। जब एक बार 30-30 से आगे बढ़ते हैं आप, तो फिर आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती है। पहले आपकी कोई कुछ नहीं गतिविधि, पहले आप टेंशन फ्री थे, यहाँ सारे लफड़े जो हैं बस वो इसी उम्र में हैं। इसके बाद आप एक बार जब सेटल हुए तो आप दोनों अलग चीजों पे ध्यान देना चालू करते हो, है ना। और मैं अपनी स्थिति बता रहा हूँ, मेरी स्थिति यही रही। अब मैं जब 30-40 अब इस एज में आया हूँ, बल्कि मैं तो अब 35 के आसपास आ गया हूँ, अब मैं इस समय बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इन सब फेजेस से आगे आ चुका हूँ। मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही हिला देने वाली चीज पढ़ी कि व्यक्ति को सबसे ज्यादा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा लंबा जीवन स्वस्थ जिएं, बहुत अच्छा शरीर आपका हमेशा रहे, कोई बीमारी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, या कम से कम आप बीमार पड़े या आगे चल के बुढ़ापे में कम से कम दिक्कत आए, तो सबसे ज्यादा शरीर का ध्यान रखने की जो उम्र है वो 20 से 30 है। ये मुझे 35 में पता चला। सबसे ज्यादा शरीर का ध्यान रखने की जो बेहतरीन उम्र है वो क्या है? 20 से 30 है। आपको अपने खाने पीने को कंट्रोल इस उम्र में करना है, आपको एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इस उम्र में करनी है, मतलब इसको कहा जाता है बोने की उम्र। जितना बोगे जीवन भर वैसा कमाओगे, हेल्थ के टर्म्स में। अब ये बात जब ये उम्र निकल गई तब पता चला। अब मैं, जिन्होंने इस उम्र में बहुत शारीरिक श्रम किया है, वास्तव में बहुत मेहनत करी है, उन लोगों का जीवन बहुत स्वस्थ रहा है, वो बहुत कम बीमार पड़े हैं। और जो इसके बाद जागे हैं, उन्हें तकलीफ हुई है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि वो कैसे जागे हैं। मुझे तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको आज समझ नहीं आएगी। आज मैं कहूंगा तो आपको, आज आपको हर चीज खाने पीने का मन करेगा, है ना। कभी यहाँ का 2 समोसे यहां से उठाए, जलेबी यहां से भर भर के खाई, शादी में गए अच्छा भर भर के खाना खाया। थोड़ा सा कंट्रोल अगर करोगे, थोड़ा सा खान पान को अपना सही करोगे, और एटलीस्ट खाने पीने के साथ साथ 1 घंटे अपने शरीर को आप देना शुरू करोगे, आप एक समय के बाद पाएंगे कि भाई सबसे कीमती चीज अगर कुछ है तो वो हेल्थ है। पैसा कितना भी हो कुछ काम नहीं आता है बाद में, अगर अच्छा शरीर ही नहीं है। मैं कई प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, इतने बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, पर इतना पैसा है उनके पास कि उनके पास फुर्सत नहीं कि कभी वो बैठ के गिन ले या कभी देख ले कि यार कितने करोड़ों की संपत्ति अपने पास है, लेकिन चलते नहीं बन रहा ढंग से, आधा शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं कोई बीमारी, कहीं कैंसर हो गया, कहीं हार्ट की प्रॉब्लम, कहीं शुगर, कहीं ये। क्यों? क्योंकि इस सब उम्र में अंधा काम किया उन्होंने, और यहां तो किया ही किया, बाद में भी नहीं जागे, 50 के हो गए 60 के हो गए, शरीर पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मशीन ठप हो गई। अब पैसा खूब है लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए शरीर ही नहीं बचा। आने वाला समय बहुत बहुत बेकार आने वाला है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बर्बाद हो चुकी है। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी, मतलब बस जहर ही नहीं खा रहे हैं, है ना, बाकी बहुत उसका एक छोटा सा रूप चल रहा है। और आने वाला समय मेडिकल इमरजेंसी का रहेगा, लोग भागते रहेंगे इधर उधर, बहुत खतरनाक समय आने वाला है। और उस समय वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी रहेगा जिसका हेल्थ अच्छा है। पैसा मायने रखेगा ही नहीं कुछ समय बाद, आप देखना, पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, वैल्यू रहेगी हेल्थ की। सबसे सफल व्यक्ति वो माना जाएगा जो स्वस्थ है, सफल वो नहीं माना जाएगा जिसके पास पैसा है। आने वाला समय आप देख लेना, भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं ना, आप इसके साक्षी बनो तो मुझे बोल देना।